अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं थोड़ा दोस्त अली बाग केर ते तुसां दे प्यो सारा यूट्यूब चैनल अली बाग केर विलाग्स। अज असा फ्रेंड जिथा आए हैं टिबा शेख वजीर दे उते सारे घर दे नाल कब्रिस्तान है। ये मेरे दोस्त हैं गुल मुहम्मद खान बिडाणी साहब। असा तुहाको दरबार की सैर करवे सूँ कि दरबार का व्यू किवें है, और मेरे बैक साइड तुसां देख सकदे हो ये टिब्बी मौजूद है। असा ही टिब्बी के जरिए बिल्कुल असा हूँ पीक दे उते वरने, तो फैमिली फ्रेंड्स असा ही पीक दे उते आ गए हैं। असा तो हूँ सैर करवेसूँ कि दरबार का व्यू किवें है। तो फैमिली फ्रेंड्स असा मौजूद हैं ही दरबार के शुमाली हिस्से दे विच। तुसा मेरे बैक साइड दे उते देख सकते वे एक स्कूल नज़र आता पै। असा प्राइमरी तक इतनी के तालीम हासिल की है, और तुसा ही दरबार का मजीद दरबार के करीबी इलाके का मंजर देख सकते वे। फाइनली असा फ्रेंड्स आ गए हैं ही दरबार के मशरकी हिस्से दे विच। उंदा तुसां व्यू देख सकते हो। तो फ्रेंड तुसां बिल्कुल महसूस कर सकते वे कि इत्थां कब्रिस्तान दे विच बिल्कुल ही खामोशी है, क्योंकि एक शायर दा शेर है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये इबरत की जगह है, इबरत दा मकाम है। सब कुछ चाहिए कि असा अपने मरहूमीन की बख्शिश वास्ते हफ्ते दे विच कम से कम एक निवार जरूर फातिहा खानी करन वास्ते आऊं। ये तुसां मजीद दरबार का व्यू देख सकते वे। असा फैनली मौजूद हैं दरबार के ऊँ इलाके दे विच के जिथा कि एक खूह मौजूद है। मेरे बैक साइड तुसा खूह एक देख सकते वे, क्योंकि दरबार के बारे आख्या में कि इतना किर बरे सगीर पाक को हिंद जै वेले पाकिस्तान आज़ाद को न थी आई, तो हूँ वेले हिंदुएं की इतना आबादी होंगी है, और ये हूँ वेले का खूह मौजूद है जिंदा मंजर तुसा देख सकते वे। फ्रेंड्स ये खूह है जिंदे बाकियात तुसा देख सकते वे सारे बैक साइड के उत्ते। और फ्रेंड्स जी दरबार के बारे मशहूर है कि इतना कि एक अजदहा होंदा है जिहड़ा कि हुण इतना मौजूद कहनी वक्त गुजरण के नाल नाल इतों के गायब थी चुके, जिहड़ा कि हर जुमरात वाले दिन दरबार की सैर करन वास्ते आंदा है। वो अजदहा दा तक जुल के मस्कन लिखेंदे हैं। तो फाइनली असं बिल्कुल मौजूद हैं फ्रेंड्स उ जगह के उत्ते जिथा अजदहा आंदा है हुण, जिहड़े कि हुण गिद्दड़ और दूजे जंगली जानवरों का मस्कन बन चुके। ये तुसा बिल्कुल करीब कोनू तो असा व्यू दिखेंदे हैं देख सकते वे। तो फ्रेंड्स असा फैनली मौजूद हैं दरबार के मुजावरन भई गुलाम बाकर साहब। असा तुहाडी इन्हां नाल मुलाकात करवेसूँ, और असा ही दरबार के हिस्ट्री ने कोल पुछूँ कि ये क्या आखते हैं वटके कनू इन्हें किवें सुनिए। जनाब बाकर भाई अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी वालेकुम सलाम। ये बुजुर्ग दसे ने कोई शहर गर्क थी कई सदियां तो। अच्छा जी। ते इवें जिमें कहीं दी मालिक डिप्टी ले आए हर कोई मुजावरी फकीरी खलीफा गिरी करें दे आए जी, पर रब अकबर साड़ी जिंदगी भी इवें ही निज़ाम में लिखी खड़ा साकू ए सकूल पसंद आ गए, बाकी असा बुहारी झाड़ू बरदारी करें दे आए।
पानी शानी भी बाहर रखेंगे। मालिक की खिदमत गुलामी अपनी जिंदगी थोड़ी जी तब्दीली आ गई है थोड़ी जी माशा बाकी इंशाल्लाह अगू तो भी लगाओ है वाह दिता है पर सोचा ने आखिर मकान अमीरें दे बंद कोठी विच बंद रहंदे हथ पैर ते तौक जंजीरें दे जेरे उत्तां हुकम चलें दे हन इथेन मौथाज नकीरें दे उए अख्तर कफन को सिख दे पेन जेरे मालिक मुल्क जगीरें जगीरें वाह वाह। बाबा जी मुंह साबुन नाल धोंदे हन पैंदे हन सूट जापानी बाही दे विच कंगन हीरेंदे गल हीरेंदी गानी पर जिन दे मुंह तू सोना शर्मिंदा हा ते संघू दिसदा पानी उए अख्तर खाक मणेंदे पेन जेरे इतनी सोने हानी कबरी कुडे तू ईमान ताजा थी वेंदे कबरी कुडे तू इल्मी और अदब आला है जी जी कहिंदा ज़हन जेथ समझे कबरी कुडे तू ईमान ताजा थी वेंदे कुफर बोग्ज मुनाफकत दा जनाजा थी वेंदे क्या कीते आज दे दीन दे विच अख्तर हर अच्छे और बुरे कम दा अंदाजा थी उन्दे पे हावे के भी बाकर दे सेंदे पैन कि इतना कब्रिस्तान दे विच आवण नाल इंसान को अपने अमाल दा अंदाजा थी वेंदे और जिवें किसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्फाज हैं जिदा मफहूम है कि इंसान को कम से कम हफ्ते दे विच एक दफ़ा या दो दफ़ा करीबी कब्रिस्तान विच वञना चाहिए क्योंकि इबरत दा मकाम है इबरत दी जगह है क्योंकि फ्रेंड्स जिवें एक शायर दा एक शेर है कि जब सिकंदर आजम मरा तो दोनों हाथ खाली थे तो फ्रेंड्स इतना कर इबरत दा मकाम है जिवें कि आख्या में दे के जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। फ्रेंड्स इतना आवण वाले इंसान को अपने आमाल अपने किरदार अपनी आखरत का पता लग दे इंसान को अपनी सीरत और किरदार को सुधारण का पता लग दे इंसान को अपने मनसब का पता चल दे कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत वास्ते खल्क फरमाए और अल्लाह ताला कुरान मजीद फरमाते कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून इदा तर्जमे दा मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाते कि असा इंसाने और जिन्नात को अपनी इबादत वास्ते खल्क कीते और साकू देखना चाहिए कि असा क्या करें दे वदे हैं असा हुण भाई जान को पूछूं कि वह मजीद क्या सुनावना चाहसन। विलाए अली मुझको भा गई वाह वाह सुभान विलाए अली मुझको भा गई निगाहें सीधी जन्नत के रह गई वाह वाह सवाब ही सवाब है मेरे पास मुंतजर वाह वाह अरे मेरे गुनाहों को तो हुब्बे अली खा गई सुभान नारे हैदरी या अली। तो फ्रेंड्स अगर तो आपको साड़ी वीडियो पसंद आई होवे सारे यूट्यूब चैनल अली बाकर विलाग्स को सब्सक्राइब करो साड़ी वीडियो को लाइक करे सो और नाल बेल आइकॉन जरूर दबा दे सो ताकि सारे नवी आने वाली वीडियोस दी नोटिफिकेशन तुसा तक रेगुलरली पहुँचती रह बने। फ्रेंड्स खुश रहो खुश रखो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो इजाज़त दे सो अल्लाह हाफिज़।